पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स या डाकघर आपके द्वार सेवा की शुरुआत दरभंगा प्रमंडल के अधीक्षक यूसी प्रसाद ने किया। ये वाहन फिलहाल केवटी और दरभंगा सदर प्रखंड के गांवों में जाएगी, जिसके लिए 3 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। कोरोना वायरस को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आवागमन ठप है। इसके कारण आम लोगों को बैंक या पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पैसों के लेन देन व अन्य काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। खासकर सुदूर गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए दरभंगा डाक प्रमंडल ने मंगलवार से पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स या डाकघर आपके द्वार सेवा की शुरुआत की है। दरभंगा प्रमंडल के डाक अधीक्षक यूसी प्रसाद ने प्रधान डाकघर की शुरुआत की। इसके तहत एक वाहन में डाक और बैंकिंग से संबंधित अधिकतर सेवाओं को समाहित किया गया है। ये वाहन गाँव में घूम घूम कर लोगों को सेवाएं दे रहा है। क्या है अपना पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील पे, ये आज हम लोग कोशिश करेंगे वासुदेवपुर केवटी बघा छोटाई पट्टी और उस रोड में और भी जो हमारा मुड़िया एसओ है, रयाम फैक्ट्री एसओ है, उसके आसपास के इलाके जो भी है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों का पहला पर्पस ये है कि हम लोग वैसे जगह अपने गाड़ी को भेजे जहाँ पे लोगों को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे शहर में तो आसपास में बहुत सारे बैंक उपलब्ध भी हैं, किंतु जो गांव के एरिया हैं वहाँ पे जहाँ पे बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे कस्टमर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं गाड़ी ना मिलने के कारण या किसी भी यातायात सुविधा ना होने के कारण, हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले वहाँ सुदूर इलाके में पहुँचे और ग्राहकों को घर तक पहुँच के उन्हें जो भी सुविधा दे सके वो हम प्रदान करें। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दरभंगा डाक प्रमंडल के अधीक्षक यूसी प्रसाद ने बताया कि इस वाहन के माध्यम से लोग घर बैठे किसी भी बैंक के खाते से निकासी कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और पेंशनधारी लोग अपना भुगतान पा सकते हैं। इसके अलावा सेविंग बैंक व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक समेत डाकघर के कई खाते खुलवाने और पार्सल व स्पीड पोस्ट बुकिंग जैसे सेवाएँ पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पोस्ट भेज रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, क्या व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा है? लॉकडाउन पीरियड में हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आईपीपीवी के माध्यम से सभी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जो है घर में लोग हैं उनको काफ़ी पैसे की दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि मोबाइल वाहन के तहत हम लोग जो है हर एक जगह भेजेंगे और इसमें 2 कर्मचारी हैं, उसके बाद जो है उसमें कैश भी है, ये सारा चीज़ पेमेंट जो है घर पर ही ग्राहकों को मिल जाएगा। इससे काफ़ी उन्हें सहूलियत होगी और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा। इसमें सैनिटाइजर का पूरा व्यवस्था किया गया है, जो भारत सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो घोषित जितने भी सर्कुलर हैं उनके तहत ही काम किया जाए। किस तरह के भुगतान किए जाएंगे? इसमें AEPS के माध्यम से किसी भी बैंक का खाता हो उसका भुगतान किया जाएगा, या राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भी योजना अभी चल रही है जिसके तहत पैसा आ रहा हो सभी का भुगतान, जनधन खाता हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर का हो, EPF वर्कर का हो, उजाला का हो, सभी का भुगतान इससे हो जाएगा। अपने बारे उमेश चंद्र प्रसाद डाकर। आपको बता दें कि ये वाहन फिलहाल केवटी और दरभंगा सदर प्रखंड के गांवों में हर दिन जाएगा। इसमें 3 कर्मचारियों की तैनाती की गई है और सभी कर्मी हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क से युक्त हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लोगों से करवाने को कहा गया है।